हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लास्टिक बॉटल्स आप वेस्ट करने से अच्छा आप उसमें कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, उसमें आप कलर करना चाहते हैं। तो काफ़ी बिगिनर्स के मन में ये क्वेश्चन होते हैं कि इसमें कौन सा कलर हमें करना चाहिए, कौन सा कलर इसमें ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा कलर इसमें परमानेंट रहेगा, लॉन्ग टाइम रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा भी होगा कि इसमें लोग एक्रेलिक कलर करते हैं, लेकिन जो उसका सही तरीका है वो चीज़ आज आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ, जो प्रॉपर तरीका है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। किस तरीके से आपको इसमें कलर करना है प्लास्टिक बॉटल में, ताकि आप उसको कुछ अच्छे से डेकोरेट कर सकें, तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें बॉटल में कलर कौन से करने हैं, तो एक तो एक्रेलिक कलर आते हैं। देखिए ये एक्रेलिक कलर हैं, चाहे आप इस टाइप की बॉटल्स ले सकते हैं 100 ml की, या फिर आप छोटी बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक कलर। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका ये बताऊंगा, जो तरीके आपने काफ़ी देखे हैं या फिर जो बिगिनर्स करते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें एक्रेलिक कलर यूज़ करते हैं। तो उसके क्या डिसएडवांटेज हैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कि जो आपको तरीका नहीं करना चाहिए वो तरीका मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि उसका क्या नुकसान है, क्या आपको उसको करने में फ़ायदा है, क्या नहीं है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको सही तरीका कौन सा यूज़ करना है। तो सबसे पहला जो तरीका है जो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो कलर्स को ब्रश से लेके इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि जो कलर्स लगाते हैं इस तरीके से पूरे बॉटल में कलर्स करते हैं ब्रश के थ्रू, और जो दूसरा तरीका है उसमें वो लोग यूज़ करते हैं स्पंज, इस तरीके से स्पंज लगा के इस तरीके से कलर किया जाता है। यहाँ पे हमने कलर ठीक करा है, यहाँ पे कलर हमारा कम है, इसमें काफ़ी कम लेयर लगती हैं कलर्स की, इसमें ज़्यादा लेयर लगती हैं। तो इस तरीके से भी आपने देखा होगा कि स्पंज के जरिए कलर्स किया जाता है बॉटल में। तो ये सक्सेस है या नहीं ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरीके से कलर्स जो करते हैं वो दिखने में तो अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छा लुक आता है, लेकिन क्या वो सक्सेस है, क्या वो परमानेंट है। तो सबसे पहले इसको ड्राई होने देते हैं हम। अब ये ड्राई हो चुका है, 10 मिनट्स के बाद ये ड्राई हो चुका है और कुछ इस तरीके का लुक्स आ रहा है इसमें। आपको लगेगा कि देखिए कितना बढ़िया कलर हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है, हमारी तो पेंटिंग बहुत अच्छी बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपने डायरेक्ट कलर किया है वो कितना सक्सेस है उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। आप ये देखिए ये कितना सही है, ये मैंने ज़रा सा नेल्स लगाया तो आपका ये कलर रिमूव हो गया, जो मैंने स्पंज से यूज़ किया था, तो यहाँ पे मैंने ब्रश से यूज़ किया था। अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, ये देखिए ये भी रिमूव हो चुका है। आप चाहें कोई भी चीज़ हो उससे अगर आप देखें तो ये इस तरीके से कलर रिमूव हो जाता है। तो ये सक्सेस नहीं है, आपने कलर एक बार को कर लिया लेकिन लॉन्ग टाइम पे जब आप देखेंगे तो वो रंग आपका कलर सब वेस्ट हो जाएगा, और जब आप इसको वॉश करेंगे तो वॉश करने से भी ये कलर निकल सकता है। तो ये सक्सेस नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है, हम यूज़ करेंगे स्प्रे पेंट। काफ़ी लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, डायरेक्ट स्प्रे पेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने हल्की सी टेस्टिंग की थी, मैं आपको एक बार फिर करके दिखा रहा हूँ। ये भी देखिए कलर होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके ड्राई होने के बाद इसमें भी हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये सक्सेस है, डायरेक्ट स्प्रे पेंट भी सक्सेस होता है या नहीं। अब हमने जो ब्लैक स्प्रे पेंट किया था वो भी ड्राई हो चुका है, तो इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं, क्या ये निकल रहा है, नहीं, लेकिन इसमें स्क्रैचेस पड़ जा रहे हैं। अब हम स्टिक से चेक कर लेते हैं, इस तरीके से देखिए इसमें स्क्रैचेस आ रहे हैं, लेकिन उतना नहीं निकल रहा है जितना एक्रेलिक कलर निकल रहा था, लेकिन ये कुछ टाइम में कलर स्प्रे पेंट भी निकल जाएगा जब हम डायरेक्ट कलर करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये चीज़ निकल जाएगा कुछ टाइम में, जब हाथ लगेंगे वॉश होगा तो ये डायरेक्ट जो हम कलर करते हैं ये भी कुछ टाइम में निकल जाता है, लेकिन जितना जल्दी एक्रेलिक कलर निकलता है उतनी जल्दी स्प्रे पेंट तो नहीं निकलेगा। लेकिन और इसको लॉन्ग लास्टिंग किस तरीके से किया जाता है अब आप वो सीखिए। तो इन बॉटल्स में जब भी आप कलर करें उसमें सबसे पहले आप वाइट प्राइमर का यूज़ कीजिए।
व्हाइट प्राइमर एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी सरफेस में यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी कलर आप करें तो वो कलर नहीं निकलता है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और जो आप व्हाइट प्राइमर लेंगे वो वाटर बेस में लेंगे, चाहे आप बर्जर कंपनी में लीजिए चाहे एशियन में लीजिए, आपको व्हाइट प्राइमर वाटर बेस में लेना है जो आप पानी मिला के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम व्हाइट प्राइमर यूज़ कर लेते हैं, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये हमने फर्स्ट कोट किया है तो इसको ड्राई होने देते हैं हम। अगर हमें ये फर्स्ट कोट जो हमने किया है वो अगर हमें सफिशियंट लगता है तो आप डायरेक्ट के बाद कलर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें एक कोट और करना चाहिए प्राइमर का तो आप दो कोट कर सकते हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट कोट किया है, कुछ इस तरीके का इसका लुक आया है। तो इतना फर्स्ट प्राइमर अभी काफ़ी नहीं है, आप चाहें तो इसे कलर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप दो कोट अगर आप कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें कलर आपके और अच्छे निकल के आएंगे। तो इसमें मैं एक कोट और कर रहा हूँ, क्योंकि कम से कम दो कोट अगर आप करें तो आप जब भी इसमें पेंटिंग करेंगे प्लास्टिक बॉटल में या ग्लास बॉटल में तो उसकी एक कलर की फिनिशिंग, एक लुक एक अलग ही आता है। क्योंकि प्राइमर जब आप थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं तो उसमें जो बैकग्राउंड की विजिबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे आपके कलर्स नेचुरल दिखते हैं। तो हमने अब इसमें सेकंड कोट भी कर दिया है प्राइमर से, अब हम इसमें डायरेक्ट कलर कर सकते हैं। चाहे आप ब्रश का यूज़ कीजिए या फिर आप स्पंज का यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर करने के बाद कलर पहले से ज़्यादा और भी अच्छा दिखता है। अब हम इसमें येलो कलर कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बन के आया है। आप अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं, उसके बाद उसमें आप फ्लावर का भी लुक दे सकते हैं। अभी इसको ड्राई होने के बाद मैं आपको दिखाया था आपको क्या करना है। अभी भी इसमें 50% आपने कलर को परमानेंट किया है, लेकिन 50% 100% नहीं। तो अभी आपको 50% और क्या करना है उसको ड्राई होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये ड्राई हो चुकी है 10 मिनट्स के बाद, तो अब आपको वार्निश करनी है, लिक्विड वार्निश। एशियन पेंट की वुड वार्निश आती है, एशियन पेंट हो या बर्जर की हो, वुड वार्निश आपको उसके बाद इसमें अप्लाई करनी है। लिक्विड वार्निश करने से इसकी सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि इसमें आपके ना कोई स्क्रैचेस आएंगे, तो वॉश करेंगे तो भी ये कलर्स नहीं निकलेंगे। तो इसमें आप लिक्विड वार्निश ज़रूर कर लीजिए लास्ट में। हमने इसमें पूरी तरीके से वार्निश कर ली है, तो इसको आप 5 to 6 hours तक ड्राई होने दीजिए, तब जाके ये प्रॉपर तरीके से ड्राई होगा। तो आप जब भी बॉटल में पेंटिंग करें तो इसी तरीके से आप यूज़ करा करिए, प्राइमर करने के बाद, कलर करने के बाद, उसके बाद लास्ट में वार्निश। तो इससे आपकी पेंटिंग सिक्योर हो जाती है, परमानेंट हो जाती है और अच्छी भी लगती है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।